हेलो एवरीवन, आज थर्सडे ऑप्शन एक्सपायरी के दिन, तो आज एक स्ट्रेटजी आपको दिखाते हैं। एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे और उसके और ज़्यादा आउट ऑफ मनी नेक्स्ट को बाय करके चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो ऑर्डर लगाया हुआ है ऑलरेडी, ऑर्डर बुक में आपको दिखाते हैं ऑर्डर बुक। ये ऑप्शन को मैंने बाय किया है, ये 8 रुपया 50 पैसा पे, और एक 14 रुपया 80 पैसा पे मैंने सेल किया है। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। सपोज 14.80 -8.50 इज इक्वल टू 6.3, यानी इस ऑप्शन की स्ट्रेटजी में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 6.3 पॉइंट का होगा, और निफ्टी का लॉट साइज 75 का होता है, तो 472 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट। और इसमें ब्रोकरेज दोनों का माइनस कर देते हैं, ब्रोकरेज और टैक्सेस। सपोज जीरोधा, इसमें 50 या 55 रुपये मैक्सिमम लगता है एक ट्रेड का ऑप्शन को बाय एंड सेल करने में। तो दो है, एक मैंने खरीदा और दूसरा को मैंने बेचा, तो माइनस कर देते हैं प्रॉफिट में से 100 रुपये। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ 372 रुपये 50 पैसे तक हो सकता है। यहाँ पे एडिंग पोजीशन में आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे जो 7 रुपये 80 पैसा भी है, यहाँ पे सेल प्राइस है, देख लीजिए 14 रुपये 80 पैसा में मैंने बेचा था। ये ऑर्डर बुक है, यहाँ पे 16 रुपये पे बेचने वाला था, लेकिन वो लिमिट ऑर्डर लग गया था और मार्केट का प्राइस तुरंत इसका 1 रुपये 20 पैसे नीचे गिर गया, तो फिर 14 रुपये 80 पैसे में ही शॉर्ट करना पड़ा। तो यहाँ ये कैंसिल ऑर्डर है, ये कंप्लीट ऑर्डर 14 रुपये 80 पैसे पर। तो 14 रुपये 80 पैसे पर मैंने बेचा है, और अभी उसका लास्ट ट्रेड प्राइस LTP 7 रुपये 85 पैसा, यहाँ पे गेन 517 521 रुपये। और जो मैंने 8 रुपये 50 पैसा पे मैंने खरीदा है, ये उसका दाम 4 रुपये 35 पैसा, उसमें नुकसान 315 रुपये, ओवरऑल 213 रुपये का प्रॉफिट। बहुत सारे ट्रेडर के मन में ये बात आ रहा होगा कि जब इसमें मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो मैंने उसके पास वाला ऑप्शन को मैंने खरीद के क्यों रखा है। तो देखिए, जैसा कि मुझे पता है कि ये उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, और ये 3:30 बजे तक ये इसी रेंज में घूमते रह जाएगा, और अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन क्या पता, कभी भी अगर बड़ा मूव आ गया, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में अगर बड़ा मूव आ गया, तो ये इसमें बहुत हैवी लॉस हो जाएगा। तो यही लॉस को रिकवर करने के लिए इस पास वाले प्रीमियम को मैंने खरीद के रखा हुआ है, कि अगर उसमें इसमें अगर लॉस दिखाने लगे अपोजिट मूव आने की वजह से, तो ये लॉस को रिकवर करे, और मैक्सिमम लॉस 50 पॉइंट का, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है 50 का, तो निफ्टी का लॉट 75 का, तो 50 × 75 तो मैक्सिमम लॉस 3,750 होगा। अगर ये 8 रुपये 50 पैसे को अगर हम बचाना चाहें, तो उसके चक्कर में अगर बड़ा मूव आ गया तो हैवी लॉस हो सकता है, 30,000 40,000 से भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हाई रिस्क को कवर करने के लिए ये उसके पास वाला ऑप्शन को परचेज करके भी चलते हैं। ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे कि आप लोग ड्राइव जैसे करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको पता है कि एक्सीडेंट तो होता ही नहीं है साल में 2 साल, कभी भी किसी किसी का तो कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, सालों से गाड़ी चलाते हैं। लेकिन क्या पता कभी भी अगर घर से ही निकले एक्सीडेंट हो गया, तो उसी एक दिन के लिए ही लोग हेलमेट लगा के चलते हैं या फोर व्हीलर में सीट बेल्ट बांध के चलते हैं। वही इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं अपना लॉस को कंट्रोल करने के लिए, कि क्या पता अगर मैंने आज का ट्रेड लगाया और महीनों से हमेशा जीरो हो जा रहा है प्रीमियम, लेकिन अगर जिस दिन मैंने लगाया उसी दिन अपोजिट मूव आ गया, तो फिर तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, तो फिर अगला दिन शॉर्ट करने के लायक ही नहीं रहेंगे। इसीलिए ऑप्शन स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, अभी प्रॉफिट 187 रुपये, 187 रुपये, 180 रुपये। तो अगर ये सिर्फ एक लॉट पे है, आपको दिखाने के लिए, अगर इसी को अगर 10 लॉट पे ऐसा काम करते तो 1700 1800 रुपये का प्रॉफिट हो जाता।
इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको बताया 372 रुपये, अगर 10 लाख रुपये करते तो 3,700 रुपये कुछ होता प्रॉफिट, और ब्रोकरेज तो सिर्फ उतना ही लगता जितना मैंने एक लॉट को शॉर्ट करने और परचेज करने के लिए किया, तो लॉट बढ़ा के इसमें प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।